गाड़ी को जंप स्टार्ट किस तरह से करते हैं? गाड़ी को जंप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कौन से हैं। नॉर्मली मार्क होता है, अगर मार्क नहीं है तो बड़ा टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव होगा, छोटा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होगा। जिस गाड़ी की बैटरी डेड है, सबसे पहले जो वायर है उसके पॉजिटिव को लगाएं और वो फिर दूसरी जो जिस गाड़ी से उसको लेनी है करंट, उस गाड़ी के पॉजिटिव जो है वायर लगाएं। और इसी तरह से नेगेटिव जो है जिस गाड़ी से करंट लेनी है सबसे पहले वहां लगेगा, और जिस गाड़ी की बैटरी डेड है उसके जो किसी भी अर्थ वाली जगह पे, इंजन ब्लॉक के साथ किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे रंग ना हो बोल्ट के ऊपर, उसके ऊपर लगा दे। अब जब आपने गाड़ियों को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जिस गाड़ी की बैटरी ठीक है उसको स्टार्ट करें, और उसके बाद हल्की सी रेस दें, आरपीएम को तकरीबन 500 आरपीएम जो है वो इंक्रीज कर लें, और इसके साथ जिस गाड़ी की बैटरी डेड है उसको जो है वो सेल्फ मारें। 2 से 3 सेल्फ के ऊपर गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, या पहले सेल्फ पे भी जो है गाड़ी वो स्टार्ट हो जाएगी। वाइस वर्सा इसी तरह से जब आप इस तारों को उतारेंगे तो सबसे पहले जो इंजन ब्लॉक वाली वायर है डेड बैटरी की वो उतरेगी, इसके साथ जो है वो सही बैटरी जो है उसकी वायर उतरेगी नेगेटिव की, और इसी तरह से उसकी जो है वो पॉजिटिव उतरेगी सही वाली की, और जो गाड़ी डेड है उसकी फिर जो है वो पॉजिटिव उतरेगी। इसके अलावा गाड़ी जो है जो इसकी बैटरी डेड है उसको 15 से 20 मिनट चलाएं ताकि जो डेड बैटरी है वो चार्ज हो सके। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 0335477763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।